नमस्कार आई हम फिर उपस्थित भगे आई सिरा क्षेत्र नंबर दुई क के उम्मीदवार संजय यादव जी जे जनमत पार्टी से दुई क में प्रदेश सभा सदस्य के लिए उम्मीदवार देने और चुनाव बहुत घर आ बहुत चुनावक चर्चा परिचर्चा बीच से पाए चुनावी बहस करब संजय जी से संजय जी अपने अखन चुनावी कार्यक्रम से और ए, चुनावी बहस कार्यक्रम में समय उपलब्ध करा दिल्ली तैक अपने के बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद अपने के और सबसे पहले हम इश्न पूछब अहाँ चुनावी में उम्मीदवारी देने ओहू में जनमत पार्टी जे पार्टी एक अलग मधेश के मांग करत आंदोलन में आये अहू और सहभागी छी आई लग चुनाव में सहभागी है और चुनाव में उम्मीदवार छे अहाँ के की एजेंडा है कि हम चुनाव जीतब अब निश्चिंत रूप में मधेश के राजनीतिक परिवेश जी जे प्रकार से है तो कतो न कौन जाकार से मधेश में या नेपाल में राजनीतिक बदलाव सही वर्ष के बदलाव के इतिहास देखें तो सही वर्ष के इतिहास में जो एक आधारभूत आवश्यकता है जनता के अभी तक आधारभूत आवश्यकता तक राजनीतिक रूप में परिपूर्ति देश में नहीं मूल रूप के एजेंडा यानी हम और भी सैद्धांतिक एजेंडा तो बहुत रखि सकते बहुत आगाड़ी के है लेकिन मूल आधारभूत आवश्यकता जो जनता के वो अभी तक पूरा नहीं और मधेश में खास करके मधेश में जैसे जनमत पार्टी मूलभूत जो आवश्यकता है जनता के उ प्राथमिक रूप में अदी के चुनावी एजेंडा बनल सबसे सब प्रारंभिक एजेंडा तो है कि मधेश में राजनीतिक रूप में अभी भी जनता के एक मौलिक जो अधिकार है खास में एक हमारा कैसे राजनीतिक भाषा में जनता राज जनता राज के अनुभूति अभी तक जनता के नहीं भाई अभी भी ई देश एहन परिस्थिति में है जो पूरा नेता के राज चीज नेता जे प्रकार से ठेकेदारी उठौते देश के जे प्रकार से योजना बनौते अभी भी देश के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता वही में हुई लागल यानी जनता के आधारभूत पर कोई आप, मतलब बहस नहीं है कोई छलफल नहीं है खाली कुर्सी बचाओ अभियान सत्ता पकड़ू ई राजनीतिक बहस चल है तै दुर जनमत पार्टी पहले कि मधेश के आधारभूत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जब तक प्रत्याभूति अगर देश में नहीं हेत तब तक राजनीतिक को धारातल आगा बढ़े के, के प्रयास कोई करते तो वो सिर्फ एगो मिथ्या है जीवा स्वप्न है जना हम अ घर बनाबे घर के जग अगर बढ़िया नहीं रहते तो ऊपर में कोई कहते हैं हम चार तल्ला बना ले नया डिजाइन बना ले नया फैंसी बना उ कहियो संभव नहीं है जग जेहन है ऊपर का धारातल ओहने बनते राजनीति के बेस लाइन से है समाज के बेस लाइन से राजनीति के बेस लाइन से ते द्वारा जनमत पार्टी मूल रूप में सुलभ सुविधा अभी भी लोकतंत्र है, लेकिन सुलभ सुविधा नहीं है इस देश में अं जेब को भी ऑफिस में जाओ अभी भी सुविधा के लागे अँ के जनता के पीड़ा है हुने खने वर्ग के सोर्स लगे है नहीं हने खाने वर्ग के घुस दी पड़े है तबे तो अगर बुझात कि व्यवस्था सुलभ है और एक बीच में हम ये रखना चाहिए जेने शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के बात आने शिक्षा के सब हर एक पार्टी आवाज़ उठब शिक्षा में जोर दि पड़ते हम जीतल के बाद में शिक्षा में ये रूपांतर आनब अहाँ केहन किस्म से जनमत पार्टी और के अहन किस्म के अगर अगर जीत जाए प्रदेश में तो केहन किस्म के एक कानून बनेबे जे पर जा शिक्षा एन मधेश भर एक निक जक चलते बहुत धन्यवाद वना तो बहुत शिक्षा विषय पर हम खास में शिक्षा शास्त्र के हम मास्टर डिग्री के हम बहुत बात सब जे हम सब पढ़ाई में पढ़े शायद जे कानून व्यवस्था अभी के वर्तमान अवस्था में शिक्षा व्यवस्था में है शायद ओकरो अगर सही तरीका से कार्यान्वयन करे वही में पक्षपात को प्रकार के राजनीतिक चल खेल को प्रकार के द्वेष प्रति द्वेष नहीं रखे तो अभी भी शिक्षा के गुणस्तरीयता अपना और तत्काल बढ़ा अवस्था में लाइ सक अ जगह पर शिक्षा नया कानूने लाभ पड़ते तेहने बहुत भारी आवश्यकता नहीं छे बल्कि शिक्षा में जो टूल्स से शिक्षा के आवश्यक प्रारंभिक प्रारम्भिक मटेरियल के बात करिकुलम के जे कुछ मौलिकता सुधार के बात सब छे और मूल रूप में अपना और शिक्षा में जो लागल है मतलब मूल रूप में शिक्षक के भूमिका है इंफ्रास्ट्रक्चर के भूमिका बहुत बड़का मटेरियल सब के भूमिका हो शिक्षक के आधुनिकीकरण तालीम के व्यवस्था है अभिभावक के भूमिका है सोशल यानी समाज के में रहे जे, और कुछ राजनीतिक स्थानीय राजनीतिक सरोकार वाला के तमाम फैक्टर के मात्रे अगर सही तरीका से सहकार्य काल जाए एक दोसर के कम्युनिकेट जो अगर सहज वातावरण हो तो शिक्षा के गुणस्तरीय तत्काल भैत लेकिन अंत देखने मधेश के संदर्भ में शिक्षक के भीतर में पार्टीगत गुट है शिक्षा के विषय में जब एक व्यवस्थापन समिति बने है तो पार्टीगत गुट में आदमी आगाड़ी बढ़े हम सब वर्तमान रूप में खास में हम सब युवा जगत में चीज़ और हम सब स्टेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स के बात करे हम सब दाया बाया पक्ष उ पक्ष वाला बात नहीं एक्जैक्ट कथी करबे कर तो ठक्कर रिजल्ट हो दे उ रिजल्ट वाला हम सब फोकसली काम करे अभी हम सब देखिए तत्काल शिक्षक सहकार्य एक नया गोष्ठी सब ये शुरू हुए सिर्फ़ शिक्षक के एक मौलिकता आब जाए कि हमर जिम्मेवारी है स्कूल के गुणस्तरीयता शिक्षा बनवा में जिम्मेवारी बोध करवय के लागि विभिन्न सरकार वाला अगर लाइक पड़े एक होरों ला पड़े समाज भी लागे स्थानीय सरकार भी लागे स्थानीय राजनीतिक कर्मी सब भी जे लागे नहीं शिक्षा में नो कॉम्प्रोमाइज शिक्षा गुणस्तरीयता के लागे वातावरण बनबे ला मूल रूप में अगर राजनीतिक लोग खास में जनप्रतिनिधि जै स्तर के अभी प्रदेश स्तर जन के जनप्रतिनिधि के भूमिका एत महत्वपूर्ण छे महत्वपूर्ण जे जख कहाँ है अभी तो अपना और चुनाव लड़ू जीतू बजट खाली जैसे कत कार्यकर्ता पालू इ के सेटिंग में छे अपना और लेकिन सब जब भी जितब देख जब भी प्रारंभिक रूप में अगर कदा किंचित जनता आशीर्वाद दिल्क तो हम पहले प्रारंभ देखे शिक्षक के पहले गोष्ठ यदि कि क्षेत्र में गुणस्तरीयता के, के ला आवश्यक की योजना लाया जाए एक दोसर बात है कि अभी भी शिक्षा के शिक्षक के और शिक्षा के खास में अपना और समाज से नहीं जोड़ पा सीख रहा समाज के धरातल एक तरफ है शिक्षा के करिकुलम है पाठ्यक्रम है शिक्षा के वातावरण स्कूल के एक तरफ है दोनू दोनों तल अभी एक एकजुट नहीं भा पा और ये जोड़े के काम के पुल के काम के करते तो जो सीनियर जनप्रतिनिधि है स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और संघ सरकार के जनप्रतिनिधि है उ मात्र अगर चाहे वातावरण बनबे ला तो एगो का जाते। दोसर बात शिक्षा के में लगानी के बात है शिक्षा में लगानी चाहिए अभी भी आवश्यक है अभी भी यहाँ देखने बहुत सारे स्कूल में गुणस्तरीय शिक्षक कथी ला शिक्षा नहीं भेटे तो शिक्षक के कमी है अब मेन पावर नहीं रहते तो आगे पढ़ाई कत इंफ्रास्ट्रक्चर के सुविधा नहीं है जबकि अपना और के अभी के प्रदेश के बहुत सारे माननीय जी सब शे बजट करोड़ों आनत शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर के गाँव के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है गाँव में एक दरबंदी केना कर लोबे गाँव में गुणस्तर टीचर के भरना केना कर पर करते कर योजना नहीं देख कथी तो अभी, अभी तक में देखल गल शिक्षा एगो विगत के दिन में से तक में एगो राजनीतिक एजेंडा बनल है सब नेता आओ कहत हम शिक्षा सुधार का देवे गरीब के शिक्षा हम सुधार करबे गरीब बच्चा किसान के लगे कर कि है जे हमरा जिताओ तब तो हम ई करब को को ब्रांड भैया स्वास्थ्य के धारातल सेम अवस्था में आ देखने हेबे दू नंबर प्रदेश में अभियो भी हमरे आगे जिला से अगर ककरो एक्सीडेंट भै जाए तो दू नम्बर प्रदेश में भरणों नहीं हो सके अपन और पेशेंट या तो जा पड़ते विराटनगर धारा नहीं तो काठमांडू अब अभी एक जनप्रतिनिधि सत्तर साल से चालीस साल से पचास साल से जीते आयल सामान्य एक हॉस्पिटल अपना जगह पर अ प्रकार के स्टैब्लिश नहीं कर सकल गए तो पता लगा पड़ते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई राजनीतिक अपेक्षा नहीं छे तो एक सपना चाहिए कि हम के जीती हम के कुर्सी पर रही हर के राजनीतिक वर्चस्व रह बाकी कोई एजेंडा नहीं ते द्वारे हम सब रहने कि पहले काम प्रारंभिक कुछ काम हमरा सबके समय लगते एक वातावरण मैकेनिज्म ला मैकेज्म बाद लाओक रनिंग हेतक एत रनिंग एत जब बहुत सारे सामान्य उदाहरण अभी के ला भारत है आ, दिल्ली के राज्य के ला केजरीवाल स्टेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स के क्या है कहियो भी देखें अहाँ डू एंड डाई के निर्णय ले है करो या मरो करे के हाथ विकास करो नहीं करे के है तो कामें नहीं हे ठक्कर गुणस्तरीयता दिल्क और उकर सुधार के हम दस्तावेज पढ़ लिए केना पढ़लिएन भारत दिल्ली के गुणस्तर के अभी प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एप्लीकेशन रखे पड़े कि हरों बच्चा के एडमिशन लिया वह एक कारण कल हो क्लियर कहल केजरीवाल की के के हम कुछ नहीं कैने हम एक बात के लिए किस बजट प्लस के लिए और सिर्फ वो भीतर में रहल कर्मचारी के सब अनुशासन में लाइ दिल जिम्मेवारी बोध के जिम्मेवारी बोध किक्षा के काया पलट दिल्क मूल रूप में और ये चीज़ हम चीज़ कर शिक्षा के बात पर के एक पहले प्राथमिकता देने से मुदा अ वो क्षेत्र में तो कृषि समस्या किसान के समस्या से बहुत है जेना मल खाद के समस्या है बी बीजन के समस्या है वही के कोना को निक व्यवस्थापन कर सको हम निश्चिंत रूप में अगर हाँ देश के अगर इतिहास से, से पढ़ने हेबाद तो दो हजार सैंतीस साल के समय में रोतहट के एक किसान सब राणा के विरुद्ध में एक समय में किसान आंदोलन के अनाज जब डबल लगान लेते रहे समय में शायद तो वही समय के बाद में किसान के मुद्दा अगर सड़क पर कोई लो नहीं हेतो जनमत पार्टी लौल्क के ओहू में प्रारंभ कर दशा तो और ही के गाँव पालिका से ही गाँव पालिका में जे प्रकार के एक रवैया किसान पर कल्क के, जबकि एक तो किसान के ओनाते सरकार, सरकार तवर से राजनीतिक तवर से दमन छे और फिर जब दमन तो सामान्य रूप में हम सब आगाड़ी बढ़ोलिए और उ उ विचारधारा किसान के एजेंडा हम सब सड़क तक लगे सड़क मात्र नहीं कि सदन तक ही बात भला हमारा रिप्रेजेंट नहीं रहे सदन में जनमत पार्टी के रिप्रेजेंट नहीं रहे सदन में लेकिन विपक्षी दल के ते बाध्य के लिए जो सदन में इस बात के खड़ा तो इस समस्या कस्या कृषि है मधेश के सबसे आर्थिक बेसलाइन ज कृषि छे लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित क्या कृषि के तो देश में एक राजनीतिक विभेद है जे विभेद से एक उच्चतम या उच्च दर्जा के सम, समुदाय माने है एक है कि, दोसर दर्जा के समुदाय मानने वाला कि इलाइट वर्गस उसे कि क्या है वो दिमाग में है कि भाई मधेस में जब भी कृषि आगाड़ी बढ़ते तो, किसान देते। किसान देते, तो एक किसान समृद्ध हेत जब किसान समृद्ध हेतु दू कोई से किसान लड़ि जत एक जे बाहरिया विभेद जे एक काठमांडू से विभेद भैर है और विभेद सब इनकलाब क्या देते दोसर है कि मधेसे में रहल जमींदार सब सबसे ओकरो खिलाफ़ में किसान जगि जते द्वारा या किसान और किर्सी के प्रति द्वेष भाव राखल जाए और लगानी राजनीतिक रूप में आगाड़ी नहीं बढ़ाया जाए हम सब राजनीतिक एजेंडा तरीका से किसान के एजेंडा रखने हे असके अवगत हाथ सामान्य अवगत हम सब के लिए पहले किसान पहचान करो किसान है के अगर जे किसान है तरह किसान कार्ड दियो स्पष्ट रूप में किसानिए देश के समाज के घर परिवार के समृद्ध आगे बढ़े पहले किसान कार्ड लागू करूँ किसान कार्ड के बाद किसान के आवश्यक कथी है जैसे के उत्पादन में जैसे ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हे तो मूलभूत अपने कहा कि गुणस्तर बीज बीजन चाहिए मल खाद के तत्काल सुविधाजनक व्यवस्था चाहिए माटो परीक्षण आय के समय में वैज्ञानिक युग में माटो परीक्षण के व्यवस्था सब होना चाहिए सिंचाई के सुलभ व्यवस्था होना चाहिए मूलभूत अगर तीन चार अगर हम आज गए पाँचम में टूल्स यानी कृषि औजार कृषि आधुनिकीकरण औजार सबके सुलभ व्यवस्था भै जाए तो एत फड़को मारते ही मधेस देश आर्थिक रूप में हो और जनता के गुणस्तरीयता जो जीवन यानी खास में आर्थिक रूप में समृद्धता है बहुत जल्द प्राप्त होते हम सब चाहे अब ये कि भाई पूरा राज्य के विधेयकें ला पड़ते तेहनो आवश्यक नहीं सामान्य सुधार है अं मान लिये हमारे अगर के क्षेत्र में देखियो ना हमारा क्षेत्र में बारह करोड़ रुपया दे पोखरी के ढलान बनाबे जबकि बारह करोड़ के हम सब देखिए कि बारह करोड़ में अगर सिंचाई लाए कृषि आधिककरण सिंचाई सिर्फ नहर बनाब के प्रयास करे स्टेट बोर्डिंग के नहर तो हमारे अब है लमसम दू दू गाँव पालिका के बढ़िया जकान नहर व्यवस्था बन भै सके के नहर व्यवस्था नया योजना नहीं चाहिए अः विगत पंद्रह बीस तीस वर्ष पहले जियो पहले भी जगह पर बहुत सारे जगह पर किसान सब अपने से कच्चा नहर रहे व्यवस्था के बहुत सारे जगह पर अभी तो कच्चा नहर से बहुत ध्वस्त भैगे विनाश ले, भैगे ले। लेकिन वह समय में वैज्ञानिककरण रहे अभी खाली अपना और कहीं आधुनिकीकरण सिंचाई बना देवे एगो बात भैगे दोसर सिंचाई के दोसर स्रोत है अभी अपना और जो प्रकार से बोर्डिंग है, चापाकल है या विभिन्न स्रोत सब जो एक अपना और बना सकती देश में अपना और क्षेत्र में दो तीन टाइम एहन नदी है जैमें लगभग लगभग बारहो महीना में आ, कुछ पानी के व्यवस्था रहे जे नदी के अपना और फाटक नियंत्रण क्या का, पानी के अपना सिंचाई बना सकते लेकिन अगर लगानी उ योजना तब अभी भी आधुनिक रूप में कृषि पोल अभी भी बढ़िया जकॉ किसान के नहीं प्राप्त भाल है बिजली, बिजली पोल बिजली नहीं है कृषि पोल लगा लगाकर बिजली लगा लगाकर तत्काल हम अं पाँच बीघा दू बीघा पर अपना और बिल मीटर लगा सक कह नहीं देखें बढ़िया लगानी उ लगानी कत लगे क्युछ लगाओ चुनाव ब्रांड के ला एत लगा दीजिए वोट आबा फिर लगेब एक सेवा दोसर भले किसान के एगो हौसला दि पड़ते किसान के जीवन किसान में एगो सुरक्षित हो प्रकार के राज्य द्वारा प्रत्याभूति हुए पड़ते तब तो ज किसान में वर्चस्व नया पुस्ता के नया युवा के जैसे किसान प्रति जैसे गाड़ी बढ़ी एक चासो जगत लेकिन उ प्रावधान आ आई किसान के किसान काम कर दियो तो किसान पेंशन के बात हो किसान बीमा के बात हुई बाली नाली के बीमा के बात हुई अगर अभी प्रकार के आधुनिकीकरण व्यवस्था सब हे तो तत्काल भै सके और हम सब यानी अभी जो प्रदेश के क्षेत्र के जो विधायक के जो अधिकार देने हैं तो हो अधिकार से अपन क्षेत्र किसान में हगारी हम सब बढ़ा सकते मगर तो सेम एगो कहली जो बजट के विनियोजन है से किसान में लगानी करे पड़ते किसान के आधुनिकीकरण आय औजार सब है जैम में कि जैसे वास्तविक किसान के जब कार्ड बन गए तो वही किसान लग के पहुँचते से अहाँ जितला के बाद में जते चीज़ है ना शिक्षा पर कहा स्वास्थ्य पर कहलिए कि परदेश में ओहन एक हॉस्पिटल नहीं है और कृषि पर कहा अहाँ जितला के बाद में हर एक नेता शुरू में चुनावी भाषण दल एना कहते बहुत मिटकर मिठकर जनता के बात पर जनता कोना के पतिया जनता के हमारा पतिया के अवस्था है जेहने मेडिकल मेडिसिन में ना एक्सपायर दवाई कोई भी जनता नहीं ले एक्सपायर दवाई खिला क्या खिये नहीं खात तो सब चाहे लेटेस्ट जेकरा म्याद है तो सबसे सब पहले राजनीतिक रूप में जो हम पात्र छे वो पूरा के पूरा लेटेस्ट पात्र छे हमरा परीक्षण नहीं भैया पर लेकिन बाक़ी जते भी दल है जते भी दल के उम्मीदवार है सब पर परीक्षण भ चुकल है राजनीतिक रूप में और सबके सब पाँच बरस दस लागे एक्सपायर भ चुक है तै द्वारे एक टा आशा जनता के जगह पड़ते कि लेटेस्ट लीडर है और लीडर यंग है आधुनिकीकरण विचारधारा के है शिक्षित है ते द्वारा हिंदा एक बाजी मौका दि पड़ता एक हमारे विश्वास है अ प्रकार के मौका भेट एक दोसर बात रही कि अ समय के चुनाव यानी वर्तमान जो नेपाल में अभी संघ और प्रदेश के चुनाव है ये चुनाव एक राजनीतिक रूप में बड़ा दुविधा के चुनाव है जै प्रकार के गठबंधन गठबंधन एहन प्रकार से भय देश में जैमें राजनीतिक एक प्रकार के और विचारधारा सिद्धांत के हत्या करके जैसे चुनावी गठबंधन है जनता के बात पता है कि इन नेता के गठबंधन है कुर्सी के गठबंधन है जनता के हित मुद्दा विकास कोनो योजना पर गठबंधन है ते द्वारे जनता वैकल्पिक लीडर वैकल्पिक संगठन के खोज में और हम दावी वैकल्पिक रूप में क्षेत्र के ला अगड़ी आये छे वैकल्पिक रूप में देखते और योग्यता के हिसाब से भी जे उम्मीदवार उस क्षेत्र में है शायद योग्यता के हिसाब से भी जनता वह छलफल में लुल गए कि योग्यता में भी बचस्व बर है जानकारी राजनीतिक रूप में भला ही हमरा से हमारे तो अपने सब सुने में मंत्री के विरुद्ध में हो लड़ रही बहुत सारे साथी के आश्चर्य लागत रह भाई मंत्री के विरुद्ध में केना लड़े है दुनिया में सामान्य भाषा है कोनो भी युद्ध जंग लड़े के ला आ, बहुत बड़का भीड़े के जरूरत नहीं उस है उ साइकोलॉजिकली है जरा मन के भीतर में एक ताकत है पहले, का मन पहले का के मन से लड़ जाओ का जीत अ दोसर रह रहें कानूनी जीत कानूनी जीत के लागे अब प्रक्रियागत लड़ाई लड़य पड़त और प्रक्रियागत चुनाव में आवय पड़ते अपन विचारधारा जनता में राख पड़े अपन एजेंडा जनता में राख पड़ता जनता के साथ जुड़ पड़ते जनता के मन जीत पड़े वैधानिक व्यवस्था है ते तुम्हारे वैधानिक व्यवस्था के साथ हम हाजी आगे बढ़ल तै द्वारे हम सब चाहे कि गठबंधन जे प्रकार से राजनीति के राजनीतिक के, के, के नीचा स्तर के और भी पार्टी है ज पार्टी सब गठबंधन के लिए पार्टी अप्रकृतिक रूप में कलक सामान्य हम गठबंधन के सामान्य एक भाषा में कह दी जे माओवादी के जन्म कांग्रेस के हत्या करके देश में भले आई वह माओवादी कह भाई एक जगह पर हंसुआ हथौरी में वोट द वह कांग्रेस कैसे कि एक जगह पर तू तो गाप में वोट दधेस जय जसपा के जन्मे भाई है वही काठमांडू के सत्ताधारी के विरुद्ध में विगत पाँच सात दस वर्ष के भीतर के इतिहास देखें मधेश के तेसरो आंदोलन के रोल देख में सबसे ज्यादा दमन करे वाला जो सरकार है नेकबा एम के सरकार या के पीओल के सरकार जरा विरुद्ध में उ राजनीतिक स्टैंड ललक आई वही कहे कि एक वोट सूर्य में दह और एक वोट हमारा छाता में दह अ प्रकार के के अगर जनता स्वीकार जो भी कार्यकर्ता है तो हम तो निश्चिंत मंचों से कह रही है कि अंत भ्रष्टाचारी देख ला काठमाण्डू नहीं जाऊ भ्रष्टाचारी अावे में आ भ्रष्टाचारी अगर बड़का नेता के चेहरा में नहीं देख अगर गठबंधन के पक्ष में जे आदमी अं गाँव के आँख देख लें कि भ्रष्टाचारी के मथियार गठबंधन इस गठ वाला और जो बात राख काल सत्ता पक्ष के बात राखल कि प्रतिगमन के विरोध में हम और कि गठबंधन केने से है वो निश्चय राखे ग जो सत्ता के विपक्ष पर के से सब बात राखे छे एक जरा के एक सीट और के लागी गठबंधन केने छे है तै द्वारे मन को हरों के गठबंधन कर के तेन किसिम के साँचों के प्रतिगमन के विरोध में छे कि जे गठबंधन है दून केन अवस्था के के में देख रहल छी दून अवस्था सामान्य भाषा में विगत पाँच वर्ष पह चौहत्तर के चुनाव देखने हेबे दो का चौहत्तर के चुनाव में वाम गठबंधन इलेक्शन भल रहे मधेसबाद के जसपा लोसपा के एलयंस चुनाव आया रहे स्थायी सरकार बाम गठबंधन चुनाव जीत ले। लेकिन क्या कि पूरा सरकार चलब सकल के पाँच अवधि के अभी अभी जब सत्ता गठबंधन कह स्थायित्व तो सरकार के हम बात क्या स्थायित्व तो परमानेंट गवर्नमेंट चाहिए अ तो ऐसे पहले पूरा बहुमत के साथ जनता बाम गठबंधन के सरकार बनौने है कि नहीं टिकल और नहीं सबसे बड़का भूमिका या सत्ता या कांग्रेस पार्टी के भूमिका रही है केन कोड़ी आ स्थायित्व तोड़ी ती को तो कोई नया बात कह दिल्कि के हम स्थायित्व गवर्नमेंट लासे तो पहले तो फटाहागिरी राजनीतिक हाई एत अयोग्य राजनीतिक विचारधारा के बात कर शीर्ष नेता के बात कर रहा है तो के खिलाफ में देखिए पूरा देशव्यापी युवा सब उठल है जे नया मॉडर्न राजनीतिक कर्मी है जे पंद्रह बीस वर्ष के मतदाता है वो कभी भी पुराना मत मद... नेता पसंद नहीं ने भैया पुराना पार्टी में तो इस सब जे प्रकार से कह प्रतिगमन अग्रगमन अग्रगमन प्रतिगमन के परिभाषा की है ङ्ग्रेस भए अग्रगमन चाहे कि ओली भए अग्रगमन या उपेन्द्र यादव भए अग्रगमन आइ उपेन्द्र यादव पन्ध्र दिन पहिले अग्रगमन के गठबन्धनमा छे आइ जग्गा पागभन्दा नै मिल्दै त आइ ओली अग्रगमन भेलै ई ई भए कति रहेछ कहावती न गहुँक आटा मरुवा आटा फेटा रोटी पकेबे न त रोटी के भए तेह्र गठबन्धन छ एकछिन गणेश गठबन्धन पैले जमाना में इतिहास सुनने हेबे न मूड़ी के हाथी के मूड़ी जोड़ दिलक आब कहूँ आई है गठबंधन एगो विचार बाम के विचार काटि दल के लोकतांत्रिक विचार मिला जरिए देखो में के लगे गणेश गणेश देखो में नहीं निक ना हाथी कूँ आदमी के मूढ़ी में जोड़े कम्युनिस्ट कहूँ का कांग्रेस के साथ जुड़े इतने बड़का मधेश धारा मधेशवादी के धरातल जो मधेश पर दमन कल ओली साथ गठबंधन जुड़े गणेश गठबंधन छे पूरा के पूरा जनता के भ्रमित महामूर्ख बनबे वाला गठबंधन है जनता के ऐदाबी दाबी अ बात के सही तरीका से हाथ में आयल बटम उ बार बार पाँच रहेंगे नेता देश के खा गल नेता देश के बेच गए नेता देश के बर्बाद क्या के दलकै आई फिर बर्बाद के पंडा लय जगह पर आएल आ आई निर्णय जनता के हाथ में अ दावी अगर वे पंडा में अगर एन बटम दबा दिलक तो फिर नेता पर आइंदा अंड़ी उठना अधिकार पाँच वर्ष के लागे नहीं रहते चाहे वो युवा हुए चाहे नया युवा हुए चाहे पुराना राजनीतिक कर्मी हुए वहां स्वीकार पड़ते कि हम परंपरागत राजनीतिक शैली के स्वीकार भ्रष्टाचार सहित राजनीतिक शैली के हम स्वीकार जे आधुनिक मतलब पुराना प्रवृत्ति खास में अगर एक अपना प्रतिगमन विचारधारा राजनीतिक हम स्वीकार अही जगह पर के अही समाज के जनता और नेता कार्यकर्ता के कह पड़ते ते दुरी कोनो प्रतिगमन अग्रगमन के गठबंधन नहीं है सीधा सत्ता स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ और खास में एक पूंजीवाद गठबंधन हम कह नव सामंतवाद गठबंधन नव पूंजीवाद सबके गठबंधन नव सामंतवाद के गठबंधन छे और एक प्रकार के पूंजीवाद और सामंतवादी के के गठबंधन ते द्वारा आधुनिक युवा नया समाज शिक्षित समाज और संपूर्ण आदरणीय दलित महिला सबके बात विचार पड़ते कि अगर एक फिर से पुनरावृत्ति भैगल तो जगह के विस्तार सेम रहते मैथमेटिकल में ना टू प्लस टू जोड़ के चार निकाले अं पाँच बाजी जोड़ू दस बाजी जोड़ू दू दू के कत्ब बाजी जोड़े तो चार निकल अगर अ नेता के अंत एक बाजी नहीं दू बाजी नहीं चार बजी तो जितेबर रिजल्ट अ क्षेत्र में अ जगह पर एहने रहते कही बदल अगर रिजल्ट नहीं आबे है नम्बर पहले अब बदल पड़ते हाँ एक सैद्धांतिक हिसाब से अब बात बने दुई प्लस दू चारे हेतु मुदा अपना के मधेश के चुनाव अखन तले के देखल जाए और अँ जे क्षेत्र में चुनाव लड़ा ची दूटा गठबंधन है और जनता और ने कतो फाटल है अठमन उ दून गठबंधन से एक मंत्री जी लड़ लड़ने और एक अहाँ के माओवादी से जीवज जी है अहाँ के मन में नहीं हो कि दुनु से नहीं टकरा सक मन में तो अहाँ पहले को चुनाव लड़लिए स्थानीय चुनाव लड़लिए तो अभी गाँव पालिका में तो वह कल कि भाई दरबार है फलना है एक जरिए केना लड़ते करोड़पति है चुनाव तो लड़लिए और सम्मानजनक वोट दलक नहीं तो जगह पर नहीं प्रमाणे नहीं जगह पर हम सही टका देने हेबे यो चाय नाश्ता खा ला चुनाव लड़लिए विचार के आधार पर लड़लिए अपन सक्षमत के आधार पर लड़लिए और सम्मानजनक मत दिलक अगर वो जगह पर राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक चलखेल अगर नहीं हो तो चुनाव उस जगह पर जनमत जीतल हमें कहियो अभी गाँव पालिका में फीलिंग नहीं कि जनमत पार्टी नहीं जीतल अँ जब जनता में जे प्रकार के जीत सम्मान एक दिलगे एक नया राजनीति के शुरुआत के वैसे धारा शुरू भैल हर आदमी अभी खास में प्रवगंडा की फैलाब है खास में पैसा वाला सब कि हम तो पैसे पर वोट खरीद ले हम तो दारू मांस पर ला ले लेकिन हम वही से एक नया क्रांति शुरू कने कि अभी हजारों जनता एहन है जो वोट और लोग लालच में नहीं फंसे और अभी स्वच्छ सही मतदान करे मुझे अंक कम्पिटेन जस्का और जाए वह रास्ता से अहू जेती जे है के एक उद्देश्य पूरा हेती कन गई रुपया खर्च हम स्टेट फॉरवर्ड राजनीति हम सब सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड जनता के परिवर्तन वो के लिए राजनीति करें हम सभी आई चुनाव जीती तो सत्ता पैंजी कुर्सी लगे पड़े वहाँ पर रहें आइ के समय में आइ के समय में पैसा कैकड़ा लेने वो मंत्री पाँच करोड़ कमे लोग पाँच करोड़ के घरों में, में पैसा है ना मंत्री भेरिक कमा पड़े पैसा हो जरूरत नहीं है सत्ता गठबंधन में सब दिन सत्ता में रहे ला पैसा है एहन अवस्था नहीं पैसे के प्रयोग करके अगर चुनाव जीतल जा सक हम सब पछाड़ी नहीं पड़ सकते अगर जाने पर बाजी लगा लियो तब भैगे दस कट्ठा जमीन बीचते सहित लेकिन वह स्तर से पैसा तो संयोग क्या सकते लेकिन अहू या और भी समाज कहते हैं में और में फर्क की है भलाई हमारे यात्रा कि कठिन देखा है रहा ले। लेकिन असंभव नहीं देखा दे रहा है ते द्वारे हमका सबके अखुनको हम कह तमाम मीडिया कैसे कि हुनका हूँ लाबे मंच पर हमरा साथ मंच पर लाबे बहस कराबे और कुछ नहीं सिर्फ़ मंच से विचार आधार के आगाड़ी बढ़ा जा वही वो पर वोट दल जाए कोज नहीं कैल जा तीनों के बैठा दी जाए घर पर बाद बुझबे कि जनता स्वच्छ मतदान दे और एक चीज कि जेने और पर जेने भाषण तो बहुत निकल से मुदा एक ता आरोप आदमी और के और के एक सत्ता पर नहीं पूछल तब सरकार के संपत्ति लुटा दल के जेना और के किसान के लके कुछ किसान के समूह बना के स्थानीय सरकार के गहूंम छा बी गहूँम से अगर के लुटा दें तेन आरोप छे, ना उगलात, उगलात है अखन गलत निराधार है फिर अनुसंधान करूँ वही जगह पर हमारे पतो नहीं रहे किसान सबके बाटे के लायक गहूम लोने रहे किसान सब बाटे तो लुलक समय के सरकार अपना पार्टीगत रूप में बाँटे के प्रयास कलक और बाटे के शैली प्रक्रिया है उ एक अव्यवहारिक के ते दुर किसान आक्रोशित घटना भैले घटना के बाद में जब वह हिरासत लाएल गल प्रहरी के दमन तब हर लग किसान एल कि सब कोनो आवाज़ उठा दियो निमुखा जनता के पकड़ के मुद्दा लगा तब तो हम सबके बात उठल भाई किसान के बाँटे गहूम खाइयों वाला नहीं रहे ल में छिटने हे कोई हे तो किसान हेतु या तो तोहर कमजोरी के कारण घटना भैले तो तू तो कमजोरी ठीक कर ना। के विरुद्ध में हम सब लड़िए सुनियोजित कोई बात नहीं ज अभ भी आरम्भ कर अनुसंधान कर तो तो निराधार बात छे और हम सब सरकारी संपत्ति लुटा देवे एहन प्रकार के विचारधारा है, तो तो सता के है वो कत ना कतौ सत्ता पक्ष की आ को नहीं हो कहकाल एक गाँव घर में है सर ठीक है देखे में मूह कान ठीक है नहीं कुछ फुराएल तो के कान <laughs> ला तिलवा है कैल तो चीज़ नहीं भेटलै गलत देखे ला <laughs> तो कान के तिलवा देखोला ला से गलत नहीं झूठ फूस बजकर अपन गलती अपन जैसे सरकार के संपत्ति है सरकार के जुहल कोष है जे दोहन केने हैं पहले उकर तो पश्चात करे उकर तो पहले पाप धो लिए धो है तो है जे जो होचो ऊँस ला घोचो तो अभी विभिन्न कारण से हम कहीं बुझाते कमजोर तो को बात बात अपन नुकबे ला चाहिए लेकिन एहन को रूप में नहीं रख लगा समग्र रूप रूपन एक बात हम अके अंत अंत में जो अंतर गाँव में नवराजपुर गाँव पालिका बरैरपट्टी गाँव पालिका अँ के, के बाद में अँ के अभी सुखीपुर के दूटा वार्ड भाई है लगायत तो के अवार्ड और में आगे के संगठित हिसाब से कते मौजूद संगठित हिसाब साँग से देखियो संगठित हिसाब से जत हमारा के सिंगल दल सिंगल दल अगर चुनाव ये होते तो हमारा जीते सुनिश्चित रहे पहले एक एलायंस के कारण से तो अभी गांव के राजनीतिक ठेका पट्टा सब है आ पार्टी के बहुत सारे आ, लोग सब है राजनीतिक रूप में कैसे हम राजनीतिक करें लेकिन कतौ ना कतौ को, तो को तो कुनो नेता या को दल के बुझते एक चीटिंग पॉलिटिक्स भैर है वही कारण से सब उस अर्थमेटिक सब रूप में मजबूत देखे है लेकिन और के संगठन रूप में देखें अगर उन्नीसट वार्ड हमारे पड़े है उन्नीसो वार्ड में विगत के चुनाव हम सब स्थानीय चुनाव लड़लिए तो जखन के स्थानीय चुनाव हम लड़ गिए मतलब संगठन है इस्टैब्लिश भैग साबित भैग रह गए मत के परिणाम तो मत के परिणाम स्थानीय सरकार में क्योंकि कैंडिडेटो अगर सेटिंग नहीं है चुनाव में बहुमत गड़बड़ भै जाए चुनावों में अगर कैंडिडेट बढ़िया सेटिंग हो तो तैयो अब संगठनों मजबूत रहे तो मत आवे है लेकिन हमारा अभी अवस्था की है तो हम सब पार्टीगत रूप में फोर्थ स्थान पर छे और भी पार्टी के विगत से अभी भी हमारा मत पाँच हजार के रेशियो में वोट वही जगह पर स्थायित्व रूप में रह गुनाव कि इस चुनाव चुनाव के बराबर नहीं दाँजल जा सके है। वा दाँजिलो नहीं जा सकते ते हम सब संगठन रूप में हम सब लगभग दस टा सब फाजिल एहन वार्ड है जो हम सब लगभग हर एक वार्ड में थाउजेंड से ऊपर हम सब क्रॉस के हराहारी में आकलन आकल है बाकी कि वार्ड है जैसे निरंतर खुद हम अपने बैठ का वाड़ के वही वार्ड के मतदाता के साथ भेट के अ प्रकार के एक केना के पॉजिटिव लैसे अगारे में भीड़ल और संभवतः तो पॉजिटिव हेतक तै द्वारे हम सब देखिए कि अभी अके देखू क्षेत्र में गठबंधन के जे प्रकार से परिचालित समूह है तेज़ कई ज्यादा बेसि हमारे परिचालित समूह है और अ समय में चुनाव के समय स्वस्फूर्त युवा सब स्वस्फूर्त युवा सब बहुत सारे बुजुर्ग किसान सब जैसे जनमत पार्टी के प्रचार में ले गए अच्छा किस्म कैंडिडेट के प्रचार में ले लगे तो वह से देखल जाए कि पॉपुलर वोट आकर्षित मत जैसे जनमत के पक्ष में हर के पक्ष में है तो हम सब देखिए संगठन पॉपुलर मत और गठबंधन विरुद्ध के जे एक मत छा आब है से चुनाव जनता से निकल रहा है हम सब स्पष्ट दिखाई दे रही चित्र शुभकामनाएं ये कि यहाँ के जनता और विचार पत्याए और एक चीज़ अः संजय यादव कतो बने को सिरा जिला के सिके राउत के एक दाना हाथ के या सहकारे में काम और त सी के राउत जी चुनाव लड़ाको तो मन में हेतु दर्शक लोकन के कि लोग तो एक चीज कह देते तो निक हेतर उपिंदर जी लड़ा चाहिए सी के राउत जी लड़ा है वह के अवस्था है आगे निश्चित रूप में देश के एक नया राजनीतिक संग्राम है वो बाकी जगह पर कोनो खासे संग्राम नहीं है लेकिन मधेश के राजनीति सब सब के सबसे बड़का जे एक रणभूमि बन जाबी सप्तरी के दू नंबर क्षेत्र छोड़िए रणभूमि में जे दूटा योद्धा के रूप में मधेश के आंदोलन के धरातल से उभरल उपेंद्र जी हैं इम्हर मधेश के विकृति के विरुद्ध में राजनीतिक विकृति के विरुद्ध में जैसे एक उभरल नव नेता डॉक्टर सी के राउत जी हैं इनका दूनू के एक क्षेत्र से अल एक समूह जरूर कहें कि दूनू एत भारी नेता के एक जगह पर नहीं लड़ना चाहिए अलग अलग लड़ना चाहिए मधेशी जनता को है हम बहुत अ बीचे में हम गल रही वही क्षेत्र में एक बार तो बहुत सारे हमरा साथी सब कि जनता ये बहुत दोधार में पड़ गल बहुत सारे जनता दोधार में ये है कि अब कौन डिसीजन करे लेकिन हम देखलिए कि बहुत सारे जनता के एगो बात अपेक्षा कि नया राजनीतिक कर्मी आना चाहिए अदुआर कि उपेंद्र जी के बहुत सारे सत्ता जो सत्ता रोहन के बैठक है बैसार है जो निर्णय वहीं पर बहुत समीक्षा भी और हिंसर गठबंधन जी बहुत अप्राकृतिक गठबंधन है असर जनता बहुत जो चिढ़ल है जब ये चिड़ल तो वोट जैसे ऑटोमेटिक वो अपने पार्टी के वोट पहले सी के राउत के समर्थन के पक्ष में चल अल नॉर्म जनता तो हेबे है संगठन के वोट वो है जसपा के साथ हमारे पहले स्थानीय चुनाव के साथ वह कोई खास कमजोर हेबे नहीं है और अभी के समय में अगर वो एक जनता अगर डॉक्टर सी के राउत के नहीं जीता पबे है तो फिर बुझियो कि तीस साल पच्चीस साल के लागे वो जनता पछाड़ी पड़ जते और जगह पर एक नया नव विकास के सपना सब जे आधुनिक समृद्धि समृद्धिक सपना सब जे वो सपना वही चकना चूट जते और हम जहाँ तक देख बहुत सारे कार्यक्रम सब अभी भी माननीय उपेंद्र जी के कार्यक्रम जनता के बीच में नहीं जा पा है अभी भी कार्यकर्ता के भीतर में घुम रहा है कार्यकर्ता असंतुष्ट है कार्यकर्ता डिफेंस क्या पा कर कि अ हाँ राजनीतिक रूप में मधेश के गजदारी के लिए राजनीति के हाँ डिफ्रेंस कर लेकिन सी के राउ के सी के राउत के तो अभी वेलकम पर वेलकम ग आए रही है भाई न भाई डॉक्टर सी के रात जैसे जन मतदाता पहुँच नहीं पा रहे हैं ते दुरी अवस्था प्रारंभिक अभी के वर्तमान अवस्था देवे कि सी के राउत के जीत लगभग सुनिश्चित है लेकिन पूर्ण सुनिश्चित नहीं हुए बहुत बड़का प्रतिस्पर्धा के बाद सुनिश्चित और एक चीज़ एक और आरोप आबित रहे कि मधे आंदोलन से या लोपिंदर जी के चुनावी क्षेत्र छे निर्वाचित ये जनमत पार्टी जबरदस्ती कह के सी के राव जी के उम्मीदवारी दिए पर तक जनता एक मधेस भर के मन में भगा कि जनमत पार्टी आखरहा खुनने से नहीं तो कतो ने कतो अलग अलग ठाव से लड़ती तो दोनों को के विचार एक सदन में पहुँचती तो बहुत निक रहती हिसाब से वो तो सबसे बेसी जनमत के अखन मधेश में जनमत आखरा के। पर नहीं भ्रामक बात है आए तो बात सामान्य नहीं बुझे कि जनमत पार्टी के कतो चुनाव लड़े पड़े तो गठबंधन के विरुद्ध में लड़े पड़ते और अंत देने हेबे मान लिये उदाहरण अखुरा प्रचंड जी के लै लिया प्रचंड जी के निर्वाचन चुनाव से चितवन चु चले कथी ला गोरखा पहुंच गए उपेंद्र जी अपना आपके राजनीति के डिग्गा समझे मधेश के एक बहुत सारे क्षेत्र में कतौ जे एक डिग्गा समझ लेते और उपेंद्र जी के इतिहास है कि कोनो भी जगह के कोनो भी निर्वाचन क्षेत्र दोहरा के रोज है और उपेंद्र जी के अपन क्षेत्रों ने चुनाव जीत गल तही से नहीं भै सको अपन क्षेत्र भैग उपेंद्र जी के अपन अपने बल्कि डॉक्टर सी के राउत के घरों वही है और प्रथम चुनाव लड़े है तो कोई भी प्रथम चुनाव लड़ते तो अपन जे जगह पर बासी है जे जगह पर रहल है जे जगह पर खेले है जे जगह पर घूमे उ निर्वाचन क्षेत्र रोजते कि डॉक्टर सी के राउत वही के अलावा कोनो चुनाव क्षेत्र रोजते निर्वाचन क्षेत्र तो अगर नहीं गठबंधन के साथे लड़े पड़ते तो भाई कतौ तो लड़े पड़ते अपन चुनाव निर्वाचन क्षेत्र बल्कि उ सिंह तोड़कर पौरू में घुसियाल उपेंद्र जी आए वह बहुत सारे क्षेत्र चले गठबंधन के क्षेत्र में कतौ तो से चुनाव लड़ते तो होते हैं और शीर्ष नेता चले उ पूरा मधेश के ठेकेदार खाली घुसिया के सिरहा में सप्तरी में कैला घुस रहा है एक बाजी देखते भाई पहाड़ में नाता जोड़े लागल रहे बाबूराम भट्टराई के साथ जैसे मधेश के कहा पहाड़ में पार्टी विस्तार के लिए जाके एक बाजी पार्टी पहाड़ में चुन लड़ते उपेंद्र जी के तो सो चुनाव जब एकीकरण है समाजवादी तो कहल के तोल बड़े पहाड़ में तो भाई हमें पहाड़ से जीत के देगा हैं हिंदा तो खोटांग ताफले जुग स में लड़ना चाहिए तब तो देखते देखिए सही में मधेश के एकता पहाड़ में तरफ़ क्या रहा है वो कि भै गया तो अपना आपके मतलब जैसे राजनीतिक हम देखिए एक अहमता है अपरिपक्ता है और एक षड्यंत्र है कि सी के राउत केना का राजनीतिक में नहीं आवे केना संसद नहीं पहुँच और वो संसद नहीं पहुँचे मतलब आवाज विहीन के आवाज संसद में नहीं पहुँच एक रुकावट चीज और इस सब मिलो मतो वही सत्ता के साथ छे ओली के साथ मिलकर वही सत्ताधारी के साथ मिलकर तो जी के राउत के दमा दबाव पड़ता एक षड्यंत्र रियल में से है ते तो दुरें जनमत पार्टी हमरे लिए कहे जे भाई माननीय मंत्री जी जे मंत्री जी के एक जिला से जा देती है एक बाजी और अंतर खिलाफ़ में चुनाव के केना ले तो गैर राजनीतिक बात भैगे जी फेक फेक बात है तै दुर बात पर विश्वास नहीं जनमत पार्टी गठबंधन के विरोध में हर एक जगह पर मधेश में बहुत सारे जगह पर अपन उम्मीदवारी देने हैं और हर एक जगह पर जनमत के गठबंधन के साथ फेस कर पड़ रही है उपेंद्र जी से का क्षेत्र पहलका चित्रलेखा जी थे न नेता तो से का है नेता है लेकिन एक विरुद्ध में जनमत के विनोद जी के लड़ पड़े तै दुर यह नहीं कह पड़ते कि अखराहा खून ले भाई पूरा मधेश जनमत पार्टी अखराहा खूने और हर एक अखराहा अखड़ापर जैसे पालमानी भैर है क्षेत्र नंबर सिर्फ के सप्तरिकुए नहीं सभी क्षेत्र जनमत के लागे सेम और जनता के हाथ में डिसीजन है देखियो हाँ पर केकर परिफ़ बजे है और अंत में आप के इस समय बहुत कम हेतः चुनावी माहौल से जनता ला जा पड़त और अंत में हमारे दर्शक लोकन के और अपन मतदाता के की कैला चाहे ना हम तो संपूर्ण आदरणीय जनसमुदाय मतदाता आग्रह कर ले चाहे कि अ दावी के राजनीतिक स्थिर विचारधारा से सोचू कोई पार्टी और सिद्धांत के धारा तले देश में, गेले। ते आहा में नहीं रह रहें तै दुर अ गाँव में यह नहीं सोचू कि हम फल्ला पार्टी हम फल्ना पार्टी के जितब पड़ते अगर आप सोचे तो अगर शीर्ष नेते पार्टी के सिद्धांत धारातल आचार संहिता नियम कानून सबके मीच देने ते द्वारा अं गाँव में यह रहू रहूँ जैसे जून्ना डह गें अठन बाकी जगह कि भाई हर कांग्रेस उठल है हम एम एल ए उठल है अगर सब पार्टी धारातल सिद्धांत बेच दिला तै द्वारे अं सोचू गठबंधन जनता पर षड्यंत्र छे जनता के धोखा देले आयल है तै दुरें धोखा में नहीं फंसिक जनमत वैकल्पिक रूप में अंके क्षेत्र में आला जनमत वैकल्पिक रूप में संगठन अगारी आयल है उम्मीदवार आला है ते द्वारे सम्पूर्ण आदरणीय मतदाता के हम संपूर्ण युवा विद्यार्थी महिला दलित जनजाति मुस्लिम संपूर्ण के हम आग्रह करना ला कि वैकल्पिक शक्ति लाओ नया विकास अगर करे के हा नया पात्र के चुनू नया नेतृत्व के लाऊ नया नेतृत्व होते नया विचार होते नया नेतृत्व होते नया विकास होते नया नेतृत्व ओते नया समाज के विकास होते और जनमत पार्टी संपूर्ण तमाम क्षेत्र में जैसे नया नेतृत्व के जैसे अंक अवसर देने हैं अवसर के जैसे सदुपयोग हो और भारी से भारी कईकाल कि छाती पर पत्थर रखे पड़त कि परम्परागत सोच तुरंत आधुनिक सोच में बदल ला मुश्किल है हम कब राजनीतिक रूप में अ दबी परीक्षण जनमत पार्टी नेता के कैल जाए और वो मौका दे के लागे अ दबी अपने सबके हाथ में अधिकार है जनमत पार्टी के एक बाजी हर एक क्षेत्र हर एक जगह से मौका दल जाए और मूल आग्रह रहते और हम दिवाली छठ के जैसे तमाम मतदाता सबके है शुभकामना व्यक्त करें अपने के धन्यवाद दें अपनों, दे अपनों के बहुत अति अमूल्य समय ते के लिए अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता तो श्रोतालोकिन और दर्शक लोग अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करे कि वीडियो के इंटरव्यू के बहुत लोग शेयर करके जी के हौसला बढ़ा और शो दे चैनल के बढ़ा और दे चैनल में अपने सब कने सब्सक्राइब लाइक कमेंट करबे तब हम के बनबे ला हौसला बढ़ते किमेंटे कि नहीं की कि कमी कमजोरी भले अगला इंटरव्यू में रह जो तै दुर कमेंट पर आशा रखते रह सलाह सुझाव दी और सब्सक्राइब कर दे कि और कोई बेसी कोई ला चल और अं लग जाते वीडियो बनेबी तेज वीडियो वाला अंजे तै दुरें कॉमेन्ट करबे करबी कहत कर आजुक कार्यक्रम एत अंत ची नमस्कार